पब्लिक टीवी आपकी आवाज करने मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया ओपी सिंह ने कहा कि आने वाला साल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ईयर ऑफ ट्रेनिंग रहने वाला है। डीजीपी ओपी सिंह के मुताबिक कुंभ मेला, लोकसभा चुनाव 2019 और 1,00,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती के चलते 2019 यूपी पुलिस के इतिहास में नई इबारत लिखेगा। मुरादाबाद जनपद के पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी गई। डीजीपी के मुताबिक अगले साल यूपी पुलिस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लिहाजा 2019 को यूपी पुलिस ईयर ऑफ ट्रेनिंग के रूप में घोषित करने जा रही है। डीजीपी ने वर्तमान समय में यूपी पुलिस में व्यापक सुधार के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस सेना और कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस सेना से लेकर इसरो जैसी संस्थाओं से भी तकनीकी मदद हासिल करने जा रही है, जिसके चलते अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। मंडल के 5 जनपदों की अपराध समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के बाद डीजीपी ओपी सिंह ने मुरादाबाद जनपद हाल के दिनों में हुए अपराधों के खुलासे पर संतोष जताया। डीजीपी ने आंकड़ों का हवाला देकर बताया कि पिछले 1 साल में यूपी में अपराधों की संख्या में गिरावट आई है। यूपी पुलिस ने संगठित अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों की कमर तोड़ दी है। डीजीपी के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए पुलिस को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जा रहा है और इसके लिए पुलिस एजेंसियों से लगातार सहायता ले रही है। डीजीपी ने अयोध्या में हुई धर्मसभा में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर पुलिस अधिकारियों की तारीफ की और कहा कि पुलिस मुखिया होने के नाते उन्हें इस पर गर्व है। डीजीपी के मुताबिक कुंभ मेले के लिए आधुनिक ट्रेनिंग से लैस कमांडो तैनात किए जा रहे हैं, जो एनएसजी से प्रशिक्षित हैं और आने वाले समय में पुलिस कर्मियों को फायरिंग का प्रशिक्षण दिलाने के लिए सेना से टाई अप किया गया है। सप्ताह में 1 दिन फायरिंग का कार्यक्रम सेना के द्वारा संचालित किया जाएगा। डीजीपी ने अगले साल होने वाली पुलिस भर्तियों पर कहा कि जल्द ही यूपी में 2 नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। जो 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रपोजल शासन को भेजा गया है। डीजीपी के मुताबिक मुरादाबाद जनपद में जल्द ही 7 थाने नए खोलने के लिए प्रपोजल भेजे गए हैं, जबकि प्रदेश में 29 नए थानों के प्रस्ताव भेजे गए हैं। इसके अलावा 3 महिला बटालियन और पीएसी की 1 बटालियन कैराना में भी खोली जानी है। पुलिस थानों में 4 इंस्पेक्टरों की तैनाती के फैसले को बदलने के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि संसाधनों की कमी के चलते प्रस्ताव वापस लिया गया है। अभी हाल में ही 25 तारीख को अयोध्या में जो हमने पुलिस व्यवस्था की, उससे एक नए सुरक्षा की भावना जागृत हुई है और उसके पूर्व भी जितने हमारे फेस्टिवल्स हुए हैं, उत्सव हुए हैं, हमारे पर्व हुए हैं, वो बहुत ही सकुशल संपन्न हुए और उत्तर प्रदेश गर्व के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कहती है कि पिछले 1.5 साल से हमने कोई कॉमनल रॉयट यहाँ होने नहीं दिया। हमारा भविष्य का चुनौती हमारी कुंभ मेला का पर्व है और इस कुंभ मेले के पर्व में जहां लाखों करोड़ों के लोग आएंगे, वो हमारे लिए एक चुनौती है कि हम उसको कैसे संपन्न कराएं। जहां तक अपराध का सवाल है, मुरादाबाद जनपद में पिछले 1 महीने में 5 डकैतियां हुई, जिसका सभी का पर्दाफाश हुआ, सभी के क्रिमिनल्स पकड़े गए। लेकिन पुलिस मुखिया होने के नाते मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध में काफ़ी गिरावट आई है। यदि आप आंकड़ों में विश्वास करते हैं और उसको लेना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ डकैती में पिछले वर्ष की तुलना में 31 अक्टूबर तक 44.19% की कमी आई है। लूट में 22% की कमी आई है। हत्या में 5.77% की कमी आई है। बलवा में 9.14% की कमी आई है। फिरौती के लिए अपहरण जो होता है उसमें 36% की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 2% की कमी आई है और बलात्कार में 8.91% की कमी आई है। तो ये हमारे पूरे राज्य का आंकड़ा 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक का है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी अपराध हुए हैं उन सबों पर तुरंत वर्कआउट किया गया है। अपराधियों को 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर पकड़ा गया है। इसके अलावा हम लोगों ने सुरक्षा, महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। जैसा कि आपके आंकड़ों से पता चल रहा है कि दहेज मृत्यु और लखनऊ, वाराणसी, उसमें साइबर क्राइम्स के बहुत सारे केसेस हैं। लगभग 3 से 3,500 हमारे केसेस पेंडिंग हैं।
हम चाहते हैं कि उनका पेंडेंसी खत्म हो, उस पर कार्रवाई हो। इसके लिए हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का एक साइबर क्राइम लेबोरेटरी लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। हमारे भारत सरकार और अपने राज्य सरकार से भी पैसा मिला है और आने वाले समय में हम उन पैसे का उपयोग करके वहाँ जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसको लेकर हम यूपी 100 की बिल्डिंग में एक साइबर क्राइम लेबोरेटरी बनाएंगे और उसके लिए हमने प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। हमने स्पेशल टास्क फोर्स और ATS एंटी टेरर स्क्वाड को काफ़ी मजबूत किया है। आपको मालूम होगा कि इस वर्ष हमने कई ऐसे टेररिस्ट हैं जिनको पकड़ा है, टेरर फंडिंग को स्मैश किया है और ऐसे हनी ट्रैप में हमारे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं अभी हमने हाल ही में नागपुर से, गाजीपुर से, इन सबों से पकड़ा है और अभी भी हमारे सीक्रेट ऑपरेशंस चल रहे हैं जिसमें हमें निकट भविष्य में और सफलता मिलने की आशा है। हमने स्पेशल ऑपरेशंस, स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम्स बनाई है। इस तरह का अभी हमने हाल ही में 3 ऐसे नए ऑपरेशन टीम्स बनाए हैं जो हम नोएडा, लखनऊ और वाराणसी में रखेंगे और इसका हम मैसिव यूज़ करने जा रहे हैं कुंभ मेले में। ये स्पॉट की जो 3 टीमें हैं, मैं आपको बता दूं कि ये NSG से हमने स्नाइपर्स की इनका प्रशिक्षण दिलवाया है, CISF से हमने इनको बम डिस्पोजल का एक ट्रेनिंग दिलवाया है और अभी आने वाले समय में हमने आर्मी से टाई अप किया है, उसमें हम आर्मी से नर्सिंग, बैटल नर्सिंग असिस्टेंस की भी ट्रेनिंग देंगे ताकि हमारा एक एक जवान जो है वो नर्सिंग असिस्टेंस में उसको करेगा और ये नर्सिंग असिस्टेंस की जो ट्रेनिंग है बाद में हम SDRF को भी देंगे ताकि हमारा डिजास्टर आने पर कोई दिक्कत नहीं हो। हमने उनकी संख्या भी बढ़ाई है और इस संख्या के कारण हमारा स्पॉट टीम जो है एक सशक्त यूनिट की तरफ निकलेगा। हमने आर्मी से टाई अप करके जितने भी आर्मी के फायरिंग रेंज हैं उन सबों को हमने वीक में एक बार फायरिंग करने की व्यवस्था की है और अभी तक हमारे लगभग 43,000 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने विभिन्न रेंजों में फायरिंग की वो व्यवस्था की है और फायरिंग का प्रैक्टिस किया है। ये हमारा एक ऐसा डोमेन है जहां हम बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए थे पिछले 10 सालों से। अब हम चाहते हैं कि हमारे जवान जो हैं, जो भी उनको हथियार दिया गया है उन हथियार से वो फायरिंग करें और प्रशिक्षण में भी जो हमारे प्रशिक्षण हमने अपने थानाध्यक्षों और प्रभारी निरीक्षकों को और सारे अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि हमारे थाने के व्यवहार में सुधार हो। यद्यपि आम जनता का और यहाँ के नागरिकों से जो मेरी बात हुई है उसमें उन लोगों ने हमारे कार्य प्रणाली को काफ़ी प्रशंसा किया है, लेकिन फिर भी उस प्रशंसा से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे थाने की कार्य प्रणाली व्यवहार के रूप में जो है उसमें और ज़्यादा सुधार हो और हमने इसी प्रकार का निर्देश अपने थानाध्यक्षों को दिया है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अच्छी नहीं रहीं, जैसे विवेक तिवारी हत्याकांड जो हमारा हुआ, उसी तरह की घटनाओं का कुछ ऐसी हुई हैं जिसके कारण मुझे ये सोचने को मजबूर हुआ कि हम प्रयोग करें कि हम व्यवहार को कैसे और अच्छा कर सकते हैं और इसीलिए